Assalamu alaikum and welcome back. Today we are talking about Tessa of the Urban Wills by Thomas Hardy. So Tessa of the is again based on the same philosophy Hardy shows in the rest of all his novels. For example, the role of chance and coincidence and fatalism and man being a puppet in the hands of fate. So this also revolves around such things. So this is a desperate and a desolate story of Tess. So first, something about Thomas Hardy, born in 1840 and died in 1908. So Hardy was English novelist and poet, a Victorian realist in tradition of George Eliot. So in dono ne realist novel ke George Eliot ki tarah ye bhi कंट्री साइड को फोकस करता था. सो इसके जो नॉवल हैं इसके अंदर सिज्म और इस तरह के एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं. विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में क्रिटिकल था और रूरल पीपल का जो डिक्लाइनिंग स्टेटस था ब्रिटेन में उस हवाले से भी इसकी राइटिंग्स हैं. सो इसकी पोइट्री और इसके जो नॉवल्स हैं दे गॉट अ ग्रेट फेम एंड ही हैड अ ग्रेट नेम इन लिटरेचर. सो इसके जो इम्पोर्टेंट में टेस ऑफ द अर्बरवेल्स, द मेयर ऑफ कैसल ब्रिज, ज्यूड, द ऑब्स्क्योर रिटर्न ऑफ द नेटिव, जिसमें से हम दो नॉवेल्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दिस इज हिज लाइफ स्पैन. यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स. द स्लाइड्स विल बी सेंड टू यू. सो द स्टोरी स्टार्ट्स with the poor paddler John Durbeyfield. So John Durbeyfield kaun hai? Wo Tess ke walid sahab hai. So Tess paddler John Durbeyfield, usko ek din achanak pata laga, like it is a revelation on him somehow ke wo D'Urbervilles ki noble family ke descendants hai. So wo jo hai Durbeyfield, he is from the noble family, a family with a good name. So uska taluk us family se hai. So Tess jo hai us daughter jati hai May Day pe. May Day dance jo hai, it is a common jo ke England mein countryside hua karta tha. So May Day dance mukhtalif novels mein jo hai ye popular. So it is on every year on May 1 or ribbons wagaira laga ke pole ke iske aas pass celebrations hoti thi, jis tarah hamare paas Baisakhi hai ya spring ko hum welcome karte hain. So in this way it was a festival over there. So ye us dance pe jati hai और वहाँ पे she comes to know के like there is a young man जो के उसको बड़ा attract करता है. So Mr. Durbeyfield जो है वो meanwhile wife को बताता है कि Tess को जाना चाहिए D'Urberville Mansion जो के करीब ही है कहीं पे. वहाँ की जो Mrs. D'Urberville है Tess की मदद करेंगी और उसे उसकी fortune since she belongs the same family. अच्छा, in fact क्या होता है? अब ये by chance or by coincidence, जो Mrs. D'Urberville है, उसका Tess से कोई relation नहीं है. उसका जो husband यानी जो merchant Simon Stokes, उसने सिर्फ अपना नाम change किया था when he got retired. So there is nothing of the same blood these two families. तो टेस जो है उसे इस चीज का नहीं पता. तो यहाँ वी गेट यू नो ये टेस को जाना पड़ता है वहां पे. टेस क्यों जाता है? टेस का एक हॉर्स है जिसका नाम प्रिंस होता है. वो हॉर्स बेसिकली वहां पे एक जगह से आते हुए, चूंकि फादर बीमार होते तो टेस और उसका ब्रदर उस हॉर्स को ला रहे होते हैं कुछ सामान लेने के लिए. तो प्रिंस गिरता है और बारिश की वजह से एक्सीडेंट होता है और गिर के वो मर जाता है. ही कुड नॉट सर्वाइव. सो टेस को ब्लेम उसका, क्योंकि होती है उस पूरी फैमिली के लिए वो एक प्रिंस ही एक
बायस होता है इस चीज के कि वो उनकी हेल्प कर सके। अच्छा जी, आगे क्या होता है कि अब मजबूरन इसको जाना पड़ता है डियर्बी विल्स में ताकि ये जाके उनसे कोई पैसे क्लेम। सो उसका जो बेटा है मिसेस डियर्बी विल का एलेक, सो वो जो है वो टेस्ट को जॉब देता है परिंदों की हिफाजत के लिए, उनकी टेक केयर के लिए। सो वो बड़ा एक लशिवियस और लस्टी किस्म का बैचलर है। सो टेस्ट के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो उसे एक्सेप्ट कर, वो अपने आप को ब्लेम करती है उसी फैमिली हॉर्स के मरने का, वो वाहिद इनकम का जरिया था। सो वो उस जॉब को करने के लिए तैयार हो जाती है। आई होप माई वर्ड्स आर वेरी क्लियर, इंटरनेट इज नॉट क्रिएटिंग मच प्रॉब्लम, इफ इट डज डू लेट मी नो। सो टेस्ट जो है काफी महीने करती है और एलक जो है वो उसको, एलक डियर्बीविल उसको कई दफा अटेम्प्ट करता है सिड्यूस करने की, उसकी प्रॉपर कोशिश होती है। ये होता है कि एलक जो है वो इस साथ एक फेयर पे गया होता है, तो वहां पे का कुछ ख्वातीन के साथ मुंहमारी हो जाती है। मीन वाइल शी इज ऑल्सो टायर्ड। तो जब ये वापस आ रहे होते हैं उस फेयर से, इट्स लेट इन द नाइट, सो वुड्स में एलेक जो है ही फाइंड्स अ चांस और उसको मौका मिल जाता है अपनी उस हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करने का। सो टेस्ट जो है वो एलेक को पसंद नहीं करती। बहरहाल आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंस, सो वो उसके बाद वहां से आ जाती है अपने घर, यानी जहाँ पे इसके डर्बी फील्ड्स होते हैं इसके पेरेंट्स। तो वहां पे एलेक के चाइल्ड को जन्म देती है और उसे ये क्रिश्चियन करती है सोरो के नाम से। सो सोरो उसका नाम रख देती है। सो सोरो अपनी पैदाइश के फौरन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है और टेस एक मिजरेबल ईयर गुजारती है और सोचती है कि मैं कहीं और काम करूं। सो फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है मिल्क मेड का एट टैलबर्थेस डेयरी। सो वहां पे इसे मिल्क मेड की जॉब मिल जाती है। सो टैलबर्थे पे टेस एंजॉयज अ पीरियड ऑफ कंटेंटमेंट, तो वहां पे खुश है, हैप्पी है, इंजॉय कर रही है किसी हद तक अपने गमों को, टेस भूल चुकी है यहाँ पे। सो मीनवाइल व्हाट हैपेंस के वहां पे और भी ख्वातीन हैं जो कि इसकी जो फ्रेंड्स बन जाती हैं, रेटी एंड मैरी एन। सो वो उसकी मुलाकात एंजल क्लेयर से भी होती है। सो एंजल क्लेयर वही बंदा है जो कि मई डे पे उसके साथ इनकी जिसको ये देखती है यहाँ पे ट्राई टू रिकनेक्ट प्लीज। सो उसमें यहाँ जब उसको देखती है उसको याद आ जाती है वही बंदा। खैर जो बड़े करीब आ जाते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर, एक दूसरे के बड़े क्लोज हो जाते हैं। सो दे ग्रो क्लोजर और वो जो टैलबोथेस डेयरी है वहां वो उसे प्रपोज भी करने के लिए। सो स्टिल शी इज ट्रबल्ड बाय पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस, वो जो एक है इशू उनकी वो जारी है ऑलरेडी के उसके पास, जो उसके पास था वो भी एंजल क्लेयर को ये बता नहीं पाई। सो इसको ये है कि शादी को चलो मैं कर रही हूँ करता मैं इसको करती हूँ, बट हाउ टू टेल दैट इज द क्वेश्चन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है टेस्ट के लिए। सो इसमें वो एक कॉन्फेशनल नोट लिखती है और उसके दरवाजे जहाँ पे वो जिस कमरे में होता है उसके दरवाजे के नीचे फेंक देती है। बाय चांस ये होता है कि इट स्लाइड्स अंडर द कार्पेट, एंजल उसको भी नहीं। सो टेस्ट बिलीव्स कि इसने शायद इसको देख लिया, उसने नहीं कहा। सो दिस इज आल्सो रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस दैट इज हैपनिंग। सो दिस इज ऑल गोइंग जो चलता और वी सी के ये सारा कुछ सारा चांसेस कोइंसिडेंस इस वॉल्व की एक हैबिट है और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके नॉवेल्स की। फर्दर मोर वेडिंग हो जाती है इनकी, टेस और एंजल अपनी इंडिस्क्रिशंस जो हैं उन्हें कॉन्फेस करते हैं एंड दैट इज गोइंग बाय द वे लाइक उसमें श्योर कि उसने ऑलरेडी ये बता दिया है एंड शी आल्सो बिलीव्स के अब एंजल को इस चीज पे कोई इशू नहीं है। बट स्टिल
एंजल जो है टेस को अपने अफेयर के बारे में बताता है कि एक ओल्ड वेमन का रिलेशन था लंदन में, और से बताती है अलक की स्टोरी। फॉरगिव करती है एंजल को, बट एंजल जो है उसमें वही मर्दाना सोच आ जाती है, टेस को फॉरगेट नहीं करता। नाउ दिस इज वेरी रूथलेस के सेम चीज आपने की, सेम चीज उसने की, बल्कि आपने तो की उसके साथ तो एक अननोइंगली और जबरदस्ती हो गई। तो आप अपने आप को चाह रहे हो कि फॉरगिवनेस मिल जाए और उसको आप फॉरगिवनेस नहीं देना चाह रहे। सो दैट इज टिपिकल ऑफ द मेल सोसाइटी, स्पेशली इन दोज टाइम्स व्हेन वुमेन डिड नॉट हैव मच राइट्स। तो यहाँ पे वो उसे कुछ पैसे देता है और बैठ के ब्राजील चला जाता है टू लर्न कल्टीवेशन। तो उसे लगता है ब्राजील में वो एक एस्टैब्लिश कलेक्टर, वो टेस्ट टू एक्स पास्ट, वो उसके पास्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस कोशिश में क्या है कि शायद वो इतनी जल्दी वापस ना आ सके। सो बेसिकली उसको ये कहता है कि टाइम के बाद वापस। सो टेस्ट स्ट्रगल्स, उसके लिए एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, और वो एक जॉब लेने के लिए मुख्तलिफ अनप्लेजेंट और एक बड़े घटिया किस्म के फॉर्म पे जॉब करने को तैयार हो जाती है। तो फैमिली को भी कोशिश कर, एंजल के ब्रदर्स को इस शादी यानी टेस्ट से शादी करना, जो कि एक बड़े खाने में थी। सो वो उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो ये चली जाती है वहां से, फिर वहां पे एक वेंडरिंग प्रीचर को सुनती है और उसको बड़ा स्टंड होती है, ये कोई और नहीं बल्कि एलेक बेविल है, इस इज्जत को खराब किया था। एक कन्वर्टेड ही वाज बाय एंजल्स फादर रेवरेंट क्लेयर, उनके थ्रू वो क्रिश्चियन होता है। एलेक और टेस वो इस एनकाउंटर के बाद, एक दूसरे को देखने के बाद हिल जाते हैं, और एलेक जो है वो उससे सॉरी करता है और उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह का नहीं करूंगा। सो सून आफ्टर जो है वो उससे टेस्ट उस दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करता है, अब वो चाहता है कि उससे। तो बहरहाल लाइक अब जो है वो उसको अलाउ नहीं करते इन तमाम चीजों का, लेकिन उन चीजों को देखते ही भूल रिलीजन और वो सारी को। टेस को पता लगता है कि उस अपनी सिस्टर लीजल उसे, कि उसकी मदर डेथ के करीब है। सो टेस जो है वो अपने घर आती है उसकी टेक केयर के लिए, मदर रिकवर, लेकिन फादर अनएक्सपेक्टेडली मर जाता है। सो फैमिली जो है उन्हें उस घर से निकाल देता है, एलेक जो है वो नहीं टेस हेल्प नहीं, और उसे पता होता है कि इसके बाद में वो क्या करेगा, वो शादी करना चाह रहा है बेसिकली। सो एंजल डिसाइड करता है अपनी जगह पे, वो अपनी वाइफ को माफ कर देगा। सो ब्राजील छोड़ता है और डेस्परेट हो जाता है उसे ढूंढने, उसे उस माँ मिलती है और वो कहती है वो एक दूर सैंडबोर्न नामी विलेज में चली गई है, वहां पे वो टेस्ट से मिलती है एक बड़े एक्सपेंसिव हाउस में टहरेंस। वहां पे उसे पता लगता है कि वहां वो उसे कि उसने उसको माफ कर दिया और उसे वापस ले आया। टेस कहती है कि दिस इज टू लेट, वो एक माँ की बीमारी, गुर्बत और उस टेम्पटेशन की वजह से वो मजबूरी थी एलेक के पास आने के लिए। सो एंजल जो है वो वहां से चला जाता है, जो है वो ऊपर जाता है और जाके अपने लवर को यानी एलेक को चाकू मार के कत्ल कर देती है। वहां से जब उसकी बॉडी डिस्कवर होती है जहाँ पे ये बोर्डिंग में रह रहे होते हैं, तो वो अलार्म बजाती है, लेकिन टेस जो है वो एंजल को ढूंढने निकल पड़ी होती है। सो जो फेमस आपको बैक पेन टेस और एंजल के स्टोन हेंज हैं, जो कि बड़ी एक मॉन्यूमेंट से है। एंजल हेल्प करता है, टेस कर जाता है, लेकिन वो उसे वो ये नहीं होता कि उसको कत्ल कर। सो वो एक एम्प्टी मेंशन काफी देर छुपे रहते हैं, फिर वो आगे हैं, वो स्टोन पे पहुंचते हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं। सो टेस सोने चले जाती है, लेकिन जब सुबह उठती है तो एक सर्च पार्टी उनको तलाश कर वहां पहुंच। तो टेस इज अरेस्टेड, शी इज सेंट टू जेल। एंजल और वो एक फ्लैग को देखते हैं रेज होता हुआ, जो के प्रिजन के ऊपर नजर आ रहा होता है। सो दैट बेसिकली सिग्नल्स के टेस्ट की एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है।
सो मीन वाइल यानी इन द एंड टेस्ट जो है वो उसके ऊपर मुकदमा चलता है और वो मर जाती है. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टेस. लाइक सो थीम्स आर नेचर एंड मॉडर्निटी. सो मॉडर्निटी के नेचर इंसान के साथ क्या है और मॉडर्न उसके अगेंस्ट क्या है. नेचर वो है जहाँ पे इंसान नेचर के दरमियान है, जो कि एक नेचुरल थिंग्स हैं. मॉडर्निटी नेचर का एक अगेंस्ट एक चीज है जो कि बिल्कुल उससे डिफरेंट है. सोशल क्रिटिसिज्म जो कि लोगों को सहना पड़ता है, स्पेशली फीमेल्स को ऐसी सोसाइटी में. पैगनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये दोनों एलिमेंट्स हैं. एलेक वाज नॉन बिलीवर, देन ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड देन अगेन ही रिवर्टेड टू दैट. फिर इनजस्टिस है कि टेस्ट के साथ थ्रू आउट द नॉवल इनजस्टिस हुआ एंड फेट वाज प्लेइंग इट्स रोल. मेमोरी और पास्ट ये भी कभी पीछा नहीं छोड़ते. सो एंजल इज अनेबल टू फॉरगिव टेस्ट फॉर दैट, बट टेस्ट एंजल. वुमेन एंड फेमिनिटी इज अ थीम कि वुमेन उस जमाने में किस तरह की ट्रॉबल से गुजर रही थी और फेमिनिटी कितना बड़ा इशू था और कितना इस चीज को लोग गलत ट्रीट करते थे. सो मैन इन द नेचुरल वर्ल्ड की जिस तरह उसका ताल्लुक होता है अलग का नेचुरल वर्ल्ड से, वो सिटी लाइफ से भागता है और नेचर के दरमियान सोलेस लेता है. सो यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं. फ्रेंड्स जो है वो सिंबल होता है घोड़ा इनकम का. ब्राजील इज सिंबल ऑफ ड्रीम लैंड. यहाँ पे इंसान अपनी इमेजिनेशन या अपनी फ्यूचर करता है. लूज हेयर टेस्ट के हमें नजर आते हैं वो इस तरह से अलामत है कि उसकी लाइफ भी बिखर चुकी है. वाटर जो है वो सिंबल है प्योरिफिकेशन का. एंड वाइट जो है दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ टेम्पटेशन एंड ऑल्सो ऑफ प्योरिफिकेशन. दीज आर द कैरेक्टर्स, जॉन डर्बीवल, जॉन डर्बीफील्ड एंड लीजेलू. ये जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यू कैन रीड देम आफ्टरवर्ड्स. सो दिस वॉज टेस्ट डियर दैट वी वर डिस्कसिंग. सो सून आफ्टर विल बी डिस्कस अदर नॉवल बाय द सेम पर्सन कार्डी एंड दैट इज रिटर्न ऑफ. सो रिटर्न ऑफ नेटिव एक ऐसी ही सिचुएशन में हम देखते हैं चांस एंड कोइंसिडेंस इन सब का रोल बड़ा प्रोमिनेंट है. यस हार्ड डिस्क्रिप्शन इज हाईली पोएटिक. बिल्कुल उसकी डिस्क्रिप्शन पोइटिक है एंड वो उस रोमांटिसिज्म को यहाँ पे डील करती है, डील करता है बेसिकली. ओके okay. ओके जी. सो द रिटर्न ऑफ द नेटिव. सो रिटर्न ऑफ द नेटिव ये यानी के जिसमें वी गेट नो सम बैक समवन हु लेफ्ट अ प्रॉपर प्लेस की वापसी, ग्राई की वापसी, यानी एक बंदा जो कि अपने इलाके वापस आया. सो द नॉवल जो है बेसिक अब ये जो है ना ये पर्टिकुलरली पर्टिकुलर में ये डिस्कस करता है कि सेटिंग, उसका टेम्परेचर, क्लाइमेट, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, तो सब इलाके से पर्टिकुलर हैं. टॉक्स अबाउट देम प्राइमरली. ये जो नॉवल है ये शुरू होता है जिसमें वी गेट टू नो प्लॉट होता तो काफी ऑलरेडी सेट हो चुका है, काफी चीजें ऑलरेडी असर्टेन हो चुकी हैं. तो रेडल मैन ग्रीगरी वैन एक बगी वाला होता है. ग्रीगरी वैन वो हीथ जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. हीथ एक बंजर सा एरिया होता है इस इलाके में जिसका एक बड़ा रोल भी है, इंपॉर्टेंट रोल है. थॉमेसियन यूब्राइट. सो थॉमेसियन यूब्राइट एक खातून है जो उसकी बैक पे बैठी हुई है.
और उसकी मैरिज थी डायमंड व्हाइल ही वाज डिलेड एक एरर की वजह से जी अगेन ही। और एरर क्या था कि मैरिज सर्टिफिकेट का इश्यू था और थॉमेजियन जो है वो इस बात पे बेहोश हो जाती है। लगता है कि जो वाइल्ड है उसने एरर खुद प्रोड्यूस किया क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, उससे वो दूर जाना चाह रहा था। सो थॉमेजियन जो है वो इस चीज को यूज करता है शादी को, क्योंकि बेसिकली वो इन्फेचुएटेड होता है यूस्टेजिया वाई से। सो यूस्टेजिया वाई जो है दैट इज अनदर कैरेक्टर जो कि बड़ा हमें दिखाया गया कि ऐसा कैरेक्टर जो कि इंतहाई या लाइक इनफाइडेलिटी से भरपूर। सो वी फाइंड कि ये जो एक डिसलॉयल किस्म का कैरेक्टर है, यस पावरफुल है ये, लेकिन अगेन भी डिसलॉयल कैरेक्टर वो इंफेक्टेड होता है या वाइस खूबसूरत होती है वहां की लेकिन लॉयल होती। सो वो बेसिकली से शादी होता है और बाद में एरर बना के शादी को पोस्टपोन कर देता है या टाल देता है। ये इस वजह से करता है क्योंकि वो यूस्टेजिया को जेलस करना चाहता है। सो जब डिगोरी वन को पता लगता है कि रोमांस जो है चल रहा है यूस्टेजिया और वाइल्डलाइफ के दरमियान, उस मोहब्बत दोबारा सामने आ जाती है जो कि उसके दिल में है कि वो थॉमेजियन को पसंद करता है। सो वो इसके लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन वेन जो उसकी जो अटेम्प्ट परसुएड करना यूस्टेजिया टू अलाउ टू मैरी थॉमेजियन ऑन मैरिज टू थॉमेजियन, सो वो सारी की सारी अनसक्सेसफुल होती हैं। मसलन ये अपनी पूरी कोशिश करता है बजाय बावजूद इसके कि इसको थॉमेजियन पसंद है वो उसको बावजूद वो नहीं कर पाता वाइल्डेव और यूस्टेजिया को। सो आगे क्या होता है जी के इस कंफ्यूज ट्रायंगल में यहाँ पे आता है क्लाइम योर ब्राइड। सो क्लाइम योर ब्राइड जो है वो अमेजियन का कजन है और मिसेज योर बेटा है विडो है, इनकी गार्डियन भी है थॉमेजियन क्लाइम की कजन बनी। यूस्टेजिया जो है वो देखती है वो यानी फ्रांस से आता है क्लाइम और उसको लगता है कि ये एक अच्छा चांस बन सकता है इस निकलने से क्योंकि एक पिंड वाला माहौल है फजूल एक ही थे जगह इस को छोड़ जाना एक बड़ी एक बात होती है। सो वो क्या करती है जी के इससे पहले कि उससे मिलती वो अपने आप को कन्विंस कर चुकी होती है कि वो क्लाइंट से प्यार करती है और वाइल्डलाइफ से अपनी मोहब्बत को खत्म कर लेती है जो कि बाद में फाइनली टॉमेजियन से शादी कर लेता है। ओके सो वो दोनों डन हो। चैन यूस्टेजियस मैशिनेशंस ब्रिंग क्लाइम एंड हर टुगेदर। चाले हो यूस्टेजिया को इंसिडेंट दोनों दूसरे के सामने हैं उसमें ये होते हैं ऐसे अटैच होते हैं और दूसरे से मिसेस जियो ब्राइड को ये बात नहीं पसंद होती, ये रिश्ता नहीं पसंद होता लेकिन स्टिल वो शादी कर लेता क्लाइम। सो वाइल्डेव जब सुनता है यूस्टेजिया की शादी के बारे में तो वो दोबारा से उसकी डिजायर करना शुरू कर देता है हालांकि उसकी थॉमेजियन से शादी हो चुकी है। सो यूस्टेजिया से शादी करके वो अपने अपनी माँ से दूर कर लेता है और डिस्टेंस ये इतना ग्रो कर जाता है कि यानी ये सिर्फ माँ के साथ नहीं हो रहा बल्कि इस के अंदर भी डिस्टेंस बढ़ना। तो ये क्यों बढ़ता है क्योंकि यूस्टेजिया के जो ड्रीम है पेरिस जाने का क्लाइम उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो आए ही वापस इसलिए ही वांट्स टू स्टार्ट स्कूल इन द नेटिव कंट्री अपने गांव में वो एक स्कूल खोलना चाहता है। वाइल्डेव जो है उसको मीन वाइल एक कहीं ना से लकीली और बाय चांस एक फॉर्चून मिलती है काफी ज्यादा और जब उसे पता लगता है के अनहैप्पी है यूस्टेजिया तो वो दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं टाइम स्पेंड करते हैं। पहले एक डांस पे मिलते हैं जहाँ पे कुछ डिग्री वैन के लोगों को देख लेते हैं। फिर जब विजिट यूस्टेजिया को उसके जब क्लाइंट
घर में उसको मिलने उस घर पे आया हुआ व्हाट देयर। सो ड्यूरिंग दिस विजिट मिसेस यू ब्राइट वो आती है। अब मिसेस यू ब्राइट को ये होता है कि क्लाइंट अलग रह रहा होता है और वो एक बारिश वाले माहौल में एक तूफानी रात को आती है और वो बड़ी बीमार भी होती है और फिर पैदल चल के आना इतना दूर सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है चलो बहू मेरा मुंडा काट के दो साथ, मैं का एक क्या कर लूं, मैं बड़े होने का एक सबूत दे दूं। तो वो अपने बेटे को मिलने आती है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि अंदर दो नहीं तीन लोग हैं। तो यूस्टेजिया जो है वो जब वो वॉक करती है तो ये होता है कि शायद वो इस कपड़े यूस्टेजिया अपनी कंफ्यूजन में वो क्योंकि वाइल्ड वहां पे है वो बाजा नहीं माँ है वो ब्रोकन हार्टेड अपने बेटे समझ के मेरा बेटा जान नहीं खोल रहा। वो जो है उस एक तो उसे गर्मी लगती है फिर वहां पे बोलता सॉरी बारिश वाली रात ये आती माय मिस्टेक स्नेक बाइट हो है यानी एक स्नेक को काट लेता है और वो घर जाते मर जाती है। अब ये बेसिकली क्या हुआ जो बड़ा रोल प्ले अपना हीथ है वो बड़ा रोल प्ले करती है। हीथ हीथ के एनिमल्स इंसेक्ट्स वेदर ये एक हीथ इज जस्ट लाइक एडगन हीथ इज जस्ट लाइक कैरेक्टर। अमर जी वफात के बाद क्लेम क्लाइम जो है वो अपने आप को इसका ब्लेम देता है और यूस्टेजिया से वो सेपरेट हो जाता है जब उसे पता लगता है कि यूस्टेजिया ने क्या रोल प्ले किया मिसेज योर ब्राइट की डेथ में। और फिर उसके से दोबारा वाइल्डिव से यूस्टेजिया एस्केप प्लान वाइल्डिव उस करने के लिए तैयार। तो एक बड़ी तूफानी रात होती है ये तूफानी रात है। सो द एक्शन इट कम्स टू इट्स क्लाइमैक्स और ऑन हर वे बैक टू मीट वाइल्डिव यूस्टेजिया वहीं पे डूब जाए उसको सेव करते करते वाइल्डिव जो के मोहब्बत में अन्ना हुआ होता है हालांकि इतना पैसा था सारा बेकार गया तो वो भी डूब जाता है। और थ्रू हियर्स डिगरी वो जो है वो क्लाइम को सेव कर लेता है जो बचाने की कोशिश में मरने करीब आ जाए। सो लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल जो है वो दिखाया जाता है कि एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप और एन इवेंचुअल मैरिज बिटवीन थॉमेजियन एंड डिगरी। सो उनकी बार यानी शादी जो है वो फाइनल हो ही जाती है डिग्री की कोई दुआएं खराब हो जाती खुदा और मोहब्बत। सो उसमें क्लाइम जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका हो नजर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है और उसने चूंकि बहुत पढ़ाई की होती है गूगल फॉर्म पे पर्चे दिए होते हैं। सो वो जो है एक वैंडरिंग बन जाता है और आंखों से होता है तकरीबन और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। सो थीम्स क्या है एस्केपेबल डेस्टिनी लाइक यू व्हाट एवर कम मे व्हाट एवर यू डू यू कैन नॉट एस्केप योर डेस्टिनी। मैरिज जो है दैट इज अ ट्रैप so that like proves to be a trap not a, it is not a trap but it proves to be a trap in this novel. Heat folks as part of setting folks in part of setting का उस का backdrop पे social status as a motivator दिखाया गया जिसके लिए लोग अपने relatives relations और अपनी वो जो वफादारी बदल लेते हैं। and finally the chance रीगेन सो जो चांस है वो हमेशा की तरह सुप्रीम होता है। सो दिस वॉज रिटर्न ऑफ द नेटिव नो इट वॉज नॉट अ सुसाइड वो डूब जाती है क्योंकि वो तो भागने के चक्कर में पड़ी होती है ना उसमें थिंक सो उसके अंदर इतनी कोई हे माय थ्रॉट इज यस माय थ्रॉट वर्किंग वेरी वेल टुडे। You don't what condition I am mentally having this time. I was in university or PhD and just I like hours before that all the tests they stood cancelled. So maybe एक हालत में आ मुझे अंदर से मैं बिल्कुल टूटा हूँ। ओके जी तो गोइंग फर्दर we have Adam Bede, yes. So Adam Bede is by John Elliot. Elliot का नॉवल है Adam Bede और ये भी तकरीबन जिस हमने पढ़ा के
थॉमस थॉमस हार्डी की तरह, जिस तरह वो लिखता है उस एक पर्टिकुलर सेटिंग के बारे में. सो शी ऑल्सो राइट्स अबाउट अ पर्टिकुलर सेटिंग एंड रिक्शा जो कि उसकी पर्टिकुलर है वाले से, वो उसको अपनी प्रेजेंट करती है अपने बैकड्रॉप को. सो दिस इज द स्टोरी, द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर यस, इट इज नॉट लाइक नॉवल, है कि इट इज इम्पोर्टेंट, सो इसको मजबूरी में हम इसको देख लेते हैं. सो लेट्स सी दीना मोरिस. सो दीना मोरिस मैथडिस्ट प्रीचर है, ये भी एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर. वो हिस टॉप में आती है इंग्लैंड में 1789 में, और अपने आंट और अंकल मिस्टर एंड मिसेस फ्राइजर के साथ रह रही है. सो वो स्नोफील्ड जहाँ पे वो नॉर्मली रहती है वहां पे जाना चाहती है जल्दी, लेकिन अभी वहीं पे रह रही है. सेथ बीड जो कि उसका कजन है और ये पॉइजर्स का बेटा है, ये एक लोकल कारपेंटर है, तो उससे उससे मोहब्बत हो जाती है जो कि हर नॉवल में नेचुरल है, और उसे मजे की बात है रिजेक्शन भी हो जाती है. सो शुरू में ही सेथ साहब का जो है किस्सा खत्म हो जाता है. सेथ का जो एडम भी हेइस में रहता है और वो कारपेंटर है अपने भाई की तरह. सो एडम जो है वो उसके 17 ईयर ओल्ड विलेज ब्यूटी उसके साथ उसे मोहब्बत है, जिसका नाम हैटी सोरल है. ये भी पॉइजर्स नीस है और पॉइजर्स के पास रहती है. सो बेसिकली ये एडम और सेथ ये दे आर लिविंग सेपरेटली, और ये दूसरी फैमिली पॉइजर्स में उनकी एक भतीजी दीन, पॉइजर्स जो है उनकी एक और नीस यानी हैटी, वो भी उधर ही उस घर में उनके साथ है. सो हैटी एंड टू बी कजन्स. सो ये बेसिकली जो चोर्स हैं घर के उनमें उनकी मदद करती है. थियास बीड जो कि फादर है सेथ बीड और एडम बीड का, वो किसी जमाने में एक यानी एक ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग के बाद एक मुकाबले के बाद डूब के मर जाता है. सो मदर जो है परेशान होती है. सो दीन तसली देने और उसे सारी पता, तो दीना अपनी पूरी कोशिश करती है. लिजबेथ कोई अचानक यानी बुद्ध से मरा हुआ है, उसके अंदर रिश्ते कराने का जज्बा जाग जाता है, तो वो कहती है कि काश ये दीना उसकी डॉटर इन लॉ बन जाए. सो मीन वाइल लोकल एक लैंड लॉर्ड है वहां पे, स्क्वायर डोनी थ्रॉन, डोनी थ्रॉन बारिश में तकरीबन है उसको वहां पे सिख है. उसका सन और हेयर है यानी वॉइस कैप डोनी थ्रॉन, ये एक मेंबर है रेजिमेंट का, अभी अभी बाजू तुड़वा के आया है और स्क्वायर के पास रह रहा है. आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और उन्हें बहन समझते हैं. सो कैप्टन डोनी थ्रोन जो है ये चुपके चुपके टूटे बाजू के साथ हैटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है. सो वो पहले मिलता है पॉइजर्स के घर पे हैटी को, और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट मीटिंग का पूछता है स्क्वायर की रेजिडेंस पे विजिट के टाइम पे, और फिर वो उससे कहीं ना कहीं वुड्स में अचानक मिलता रहता है. सो कैप्टन जॉनी थ्रोन जो है वो हैटी को वुड्स में मिल रहा होता है, और वो अकेले होते हैं और फर्स्ट टाइम जब, तो वो बड़े फील कर रहे होते हैं. सो कैप्टन थ्रोन वो उसको कर रहा होता है उसके चाहने वालों की एक लिस्ट बता के, एडम बीट भी शामिल होता है, तो वो रोना शुरू हो जाती है. तो उसके मीनवाइल उस यानी एक बगलगीर होने की कोशिश करता है, वो पैनिक होती है और भाग जाती है. थ्रोन सो ये क्या हो गया, और उसके बाद वो मिलता है वुड्स में ही, एंड फिर उसके बाद एक लंबा अफेयर चलता है उनका जो पूरी समर में चलता रहता है. और ये खत्म कैसे होता है, जब थ्रोन ने होता है वापस रेजिमेंट में होने के बाद, जो दोबारा आर्मी ज्वाइन करने, डोनी थ्रोन उससे शादी करेगा और उसके उसके ड्रीम पूरे होंगे. तो वो उससे एग्जैक्टली प्यार नहीं करती, लेकिन वो जो वेल्थ प्रिविलेजेस हैं वो उनको बड़ा पसंद करता है. वो एक पार्टी रखता है और उसमें वो सारे लोगों को बुलाता है, सब आते हैं और एक अच्छा फी डांसिंग गेम्स होती हैं. एडम देखता है कि हैटी जो है वो एक लॉकेट पहने हुए है जो कैप्टन डोनी थ्रोन ने उसको दिया. तो उसको शक आता है क्योंकि वो भी उसके पीछे पागल होता है कि इसका शायद उससे अफेयर हो, कंक्लूड
करता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी चीज छुपाए। सो लास्ट नाइट पे एडम फाइनली देख लेता है हैटी और थ्रोन को वर्ड्स। सो वो जाके फेंकता है कैप्टन जॉनी थ्रोन को। एडम जो कि कारपेंटर वाले हाथ है उसके, वो जीत जाता है। तो जॉनी थ्रोन एडम से झूठ बोलता है कि अफेयर सिर्फ एक लिटिल फ्लर्टेशन थी, और इसमें एडम उसे कहता है कि एक लेटर लिखे हैटी को और वो बताए कि अफेयर खत्म हो चुका है। जॉनी थ्रोन ऐसा ही करता है और लेटर एडम खुद लेके जाता है उसकी महबूबा को देने, यानी अपनी भी गर्लफ्रेंड को देने। हैटी और उसके बाद वो से शादी करने के लाइक तैयार हो जाता, लाइक इधर से एक चीज दूसरी तरफ तैयार हो गई। सो एडम उसे प्रपोज करता है, हैटी फुल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस मीन वाइल जॉनी थ्रोन जाता है तो हैटी इज प्रेग्नेंट और लाइक दोनों को नहीं पता होता। सो ही रिजॉल्व्स टू फाइंड जॉनी थ्रोन। वो चाहती है कि बदनामी हो मजीद, तो वो जाती है कि अब जॉनी थ्रोन के पास जाना चाहिए। तो वो उसकी तलाश में जाती है और वो चाहती, उसे लगता है कि जॉनी थ्रोन उसकी हेल्प करेगा और ये शेम का उस वो धो डालेगा। ढूंढने निकल है और एक बहुत कठिन सफर से पता चचलता है कहाँ भी नहीं है, वो आयरलैंड चला गया। फिर वापस आती है और उसके बाद दीना को विजिट करना चाहती है, जो कि शायद उसे लगता है कि विदाउट जजिंग उसकी हेल्प करेगी बिकॉज शी इज सो गुड। सो अलोंग द वे वो एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उस बच्चे को के ले जाती है, दरख्त के नीचे दफना देती है, यानी बंद कर देती है। हैटी जाती है लेकिन वो हैटी वहां से भाग, लेकिन पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वहां पे वो देखता है कि एक कांस्टेबल उसको है जो कि उसको देखते हैं, और वहां पे जो बच्चा मीनवाइल मर चुका होता है उसके मर्डर में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो एडम जब हैटी उसे नहीं नजर आती तो वो उसे लगता है कि डोनिस्ट्रोन उसे निकाल के ले गया। सो वो जाता है आयरलैंड उसे मिलने के लिए, लेकिन फिर मिस्टर इरविन मिलता है जो उससे उसका प्लान बताता है। वो उसे बताता है कि हैटी जेल में है जिसकी चक्रों में तुम यहाँ फेर रहे हो। सो एडम उसके ट्रक पे जाता है, लेकिन इससे पहले ये दी वहां पे आती है हैटी के पास, उसको कन्विंस करती है कि वो रिपेंट करे, क्योंकि ये एक प्रीचर होती है तो ये उसकी सोल को सेव करने की कोशिश करती है। सो हैटी कन्विंस होती है, कन्विक्ट होती है सॉरी, और उस पे मुकदमा चलता है और उसे इन द एंड टेस्ट की तरह इसको भी मार दिया। खैर इन द एंड आता है और हैटी मीनवाइल शी इज ट्रांसपोर्टेड, यानी उससे होती है कि इसको मार दिया जाए, अभी मारा नहीं गया। सो जब वो वहां से इंग्लैंड भेजा जाता है उसके क्राइम के लिए, तो वो लाइक हेस लोग पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। कैप्टन थ्रोन जो है वो कुछ अरसे के लिए बाहर आता है क्योंकि उसने एडम और पॉइजर के ऊपर डब्बा लगा दिया, उसकी वजह से लगा। एडम को रियलाइज होता है कि ही इज इन लव विद दीना, वो उसे प्रपोज कर देता है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने भाई को भी था, लेकिन फिर उसे लगता है कि खुदा की मर्जी उसे एडम से शादी कर लेनी चाहिए, तो वो एडम से कर लेती है। सेथ कुमारा ही रह जाता है, उससे कोई भी शादी नहीं करता। इन द एंड दिस नॉवल एंड इन लाइक इन सच फ्रेम्स। तो इनर एंड आउटर ब्यूटी दी गई, जो कि कुछ कैरेक्टर्स के अंदर इनर ब्यूटी है और कुछ ब्यूटी है। एडम के कारपेंट्री से हमें हार्ड वर्क की वैल्यू पता चलती है, और लव दिखाया गया जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, जो कि गमों को खुशी में और घाव को तंदुरुस्ती में बदलती है। बैड बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए कि बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। रिलीजन ए गुड बैकड्रॉप ऑफ दिस सेटिंग, के रिलीजन जो है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स रोल। So this was the third novel of today. So in this way, important novels of this time they come to an end. And now, let me find another one for you so that we can have at least four today. Okay, yes. So this we have Twilight in Delhi. So those who wanted South Asian writers, congratulations to them. Okay, first South Asian writer that is like
being discussed today. Okay, Twilight in Delhi is by Ahmed Ali. Sorry? Sir, it's my favorite one. Okay, okay, very good. Yes, it is good. It is written in a very realistic manner. So, Twilight in Delhi jo hai, ek historical novel hai, or focuses on Peer Nihal and his family. So, ye change aa rahi hai Indian पीपल जो है उस जमाने में हिंदू और मुस्लिम उनकी लाइफ में और ऑल्सो इंडियन कल्चर में उस जमाने का जो हिंदू कल्चर है मुस्लिम कल्चर है यानी सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है उसके अंदर एक चेंज जो है वो एक बड़ी एविडेंट चेंज है जो हमें इसमें इस थ्रू में नजर आती है. सो हाल जो है वो फेसेस ही अंडर पर्सनल चेंज और उसका जो असर इज ऑल्सो थ्रू ड्रामेटिक एज वेल. सो बाप बेटा दोनों एक तब्दीली में से गुजर रहे होते हैं. ये इमरान की तब्दीली नहीं है. असर जो है उसकी शादी वो अभी उस तरह नहीं आ रही जिस तरह वो चाहता था. सो जो जो है इटसेल्फ भी ऐसी एक चेंज गुजर रहा है. जॉर्ज को बेसिकली रूलर बनाया जा रहा है. So, ये वैसे नहीं रहा जैसे कि इंडिया के लोग जब भी मैं बोलूं तो दैट मींस कॉन्टिनेंट जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल. सो वो नहीं हो रहा था जो कि चाहते थे. इसी तरह असगर की शादी भी इस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह वो चाहता था. सो लाइक मीर निहाल्स लाइफ और मीर निहाल की जो जिंदगी है दैट शोज की जो फॉर्मर ग्लोरी है दिल्ली की दैट इज नाउ फेडिंग इनटू हाईलाइट. ग्लोरियस था दिल्ली वो जमाने की उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब वो डिमिनिश हो रही हैं और ट्वाइलाइट में फेड हो रही हैं. ओके एक हॉट समर इवनिंग होती है. मीर हाल जो कि बड़ा यानी घर का बड़ा है वो अपने घर में आता है और देखता है उसकी वाइफ है और उससे अपने दोनों बच्चों की शादी की करना चाहती है. सो जब मीर निहाल डिस्कस करता है कि के असगर जो कि उसका बेटा है उसकी शादी हम पहले क्यों करें तो उतनी देर में एक स्नेक नजर आता है घर में जो कि एक उसके प्राइज्ड पिजन्स को क्योंकि ये कबूतर पालता है और कबूतर उड़ाता भी है उसका शौकीन भी है कबूतर बाज है और कबूतर जीतता जीते हुए कबूतर को खाने की कोशिश कर रहा है. सो वो उस स्नेक को इजिली मार देता है. मीर ने एक सिंबल है कि यू स्टिल यू हैव टाइम कि यू कैन चेंज थिंग्स. सो मीर निहाल वो अपनी कन्वर्सेशन जहां पे उसने छोड़ी वहां से शुरू करता है. मीनवाइल असगर आता है वापस और वो नोटिस करता है कि असगर ने इंग्लिश बूट्स पहने. सो इंग्लिश बूट जो है वो सिंबल है नई जनरेशन का इंग्लैंड और उसके लिबास और कल्चर से मोहब्बत का जबकि पुरानी जनरेशन उसको नापसंद करती है. मीर निहाल को गुस्सा आता है और वो उसको गालियां बकता है डांटता है. असगर जो है वो चला जाता है इससे पहले कि कोई तल्ख कलामी हो. वो जाके रूफ पे जाके अपनी छत पे जाके एक बिलव्ड उसकी जो सोशल क्लास में उससे नीचे है बिल्किस उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है. तो असगर इतना पागल है उसे शादी करने के लिए कि वो उसके बारे में ख्वाब देखता है उसके बारे में सोचता है कि इवन वो अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को उनको भी यहाँ पे खत लिख मारता है कि वो आए और उसकी शादी का अरेंज करें. वो आती है और असगर कहता है कि अगर उसे बिल्किस ना मिली तो वो कहीं का नहीं रहेगा वो अपनी जान दे देगा मर जाएगा. सो अपने भाई की जिंदगी की खास बेगम वहीद जाती है बेगम निहाल यानी माँ के पास और उनसे कहती है कि वो मीर निहाल कहें कि वो इस शादी के लिए राजी हो जाए. एक लंबी डिस्कशन होती है बल्कि इस मामले पे जो कि सोशल क्लास में नीचे है मैरिज जो है वो मीर निहाल उसको पसंद नहीं करता. सो बेगम निहाल ये कहती है कि वो असगर की हेल्प करेगी लेकिन वो क्योंकि वो नहीं चाहती उसके बेटे को कुछ तकलीफ हो. सो बेगम निहाल जाती है मीर निहाल के पास लेकिन गुस्से में आता है और ये कि
असगर उसकी फैमिली रेप्यूटेशन को कर रहा है, उस बदनाम कर रहा है, एक छोटे घर में शादी करके, तो वो अपना यानी वो घर से निकल जाता है। सर्वेंट दिलचीन जो है वो सारी चीजों को सुन लेती है, और बेगम निहाल की सिस्टर इन लॉ बेगम जमाल, जो के बेगम निहाल की ये बातें देख के बड़ी महसूस हो रही है, उसको बताती है। बेगम निहाल गुस्से में आती है, लेकिन बेगम जमाल हेल्पफुल भी होती है और वो उसे बताती है कि शादी अभी भी अरेंज हो सकती है अगर मीर निहाल ना भी चाहे तो। असगर जाता है अपनी मिस्ट्रेस के पास। अब देखें, अब बाप क्या बेटा, तो असगर छोटा सा, इसने भी एक अपनी मिस्ट्रेस रखी हुई है, सो मुश्तरी बाई, जो के अपने दोस्त के साथ उसको विजिट करता है, और उसका दोस्त मुश्तरी बाई को बताता है कि असगर जो है वो कहीं बल्कीस नामी खातून से प्यार करता है। तो मुश्तरी बाई का दिल टूट जाता है टोटे टोटे, और वो कहती है कि उसे खुद प्यार है असगर से, और फिर वो कहती है कि बंदा कभी किसी से मोहब्बत ना करे, आहें भरती है। खैर, वहां पे कुछ टाइम गुजारने के बाद असगर साहब वापस आ जाते हैं बेगम वहीद के घुटनों में, उससे दोबारा हेल्प मांगता है, तो वो उसे ये जान के खुश होता है कि माँ उसकी मदद करेंगी। तो बेगम वहीद जो है वो सजेस्ट करती है असगर को कि वो उसके साथ भोपाल जाए, जहाँ पे इसका मईका है, और वो उधर यानी जाके वेट करे, क्योंकि शादी से पहले यानी वो थोड़ा टाइम वहां पे गुजारे। सो कुछ अरसे बाद एक और बड़ी गर्म शाम होती है, उस शाम मीर निहाल वापस आता है और देखता है उसकी फैमिली जो है वो उसे हीट स्ट्रोक हुआ होता है, और वो अपनी फैमिली को टेंड करने के बाद जब पिजन्स को देखता है तो उसमें से काफी पिजन्स मर चुके होते हैं। वो जाता है और लोकल मार्केट से नए पिजन्स लेता है और उनको उसमें डाल देता है। तो इतनी देर में एक सर्वेंट आती है और आके बताती है कि इसकी मिस्ट्रेस यानी छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह कि मीर निहाल की सिस्टर बब्बन जान भी मौत के किनारे पड़ी जमीन से। तो ऐसी तो होते नहीं थे। तो अब ये सुनने के बाद मीर निहाल साहब भागते हैं उसके घर को, पिजन का जो कूप है यानी उसका जो कमरा पिंजरा वो खुला रह जाता है। बबन जान के घर पहुंच के पता लगता है कि वो आधा घंटा पहले कजाई इलाही हो चुकी है, इन्ना लिल्ला। सो वो उसके ऊपर एक आखिरी दीदार करता है और उसकी माँ को कुछ पैसे दे के घर आ जाता है। अब यहाँ पे जो दिखाया गया ये दिस यूज टू हैपन कि लोगों के घर में उन्होंने जनान खाने मर्दान खाने अलग बनाए हुए, लेकिन बाहर एक से बढ़ के एक गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। सो वो जब वापस आता तो देखता है कि उसके पिजन्स जो हैं वो एक स्ट्रे कैट घुस गई, जब उसने पिंजरा खोला तो उसकी मौजें लग गई, बॉर्बिक्यू बुफे मिल गया उसे, उसने सब पे हाथ साफ किया, और उसको जब देखता है कि उसके परिंदे भी मर गए, उसकी बबन जान भी मर गई। सो मीर निहाल जो है वो तरीका है कि अब जिंदगी से किनारा कशी कर लो और असगर साहब को करने दो जो करते हैं। तो वो असगर के आगे हथियार डाल देता है और असगर की बात मान लेता है। सो उसमें ये है कि बेसिकली जी मैं इसका जवाब आपको इधर ही दे देता हूँ कि जो उसमें वो कॉन्टेक्स्ट दिखाना चाह रहा है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो ये दिखा रहा है कि जो उस वक्त हालत इन लोगों की, इनके कल्चर की, इनके मॉरल्स की थी, वही हालत दिल्ली की हो चुकी थी, जो कि बिल्कुल इस वक्त अंग्रेजों के हाथों खत्म हो चुका था। इसकी वो पुराने रसूम और रवाज, सकाफत, वो जो एक ट्रेडिशन थी या जो ग्लोरी थी वो खत्म हो चुकी थी। सो मीर निहाल रिटायर हो गए तो उसका ज्यादातर काम क्या होता है, एल्केमी यानी हिकमत, और इस टाइम में जॉर्ज जो है उसकी कोरोनेशन सेरेमनी हो रही होती है, यानी तख्त नशीनी की सेरेमनी, ताज पहनाया जा रहा होता है। सो मीर निहाल उसका जो है हबीबुद्दीन बड़ा बेटा उसका, वो परेड देखने जाते हैं, लेकिन मीर निहाल को वो सारा वॉयलेंस और वो सारा कुछ जहन में आता है कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने आके टेक ओवर किया हर चीज को। तो मीर निहाल वो अकेला वॉक करने जाता है तो उसे नजर आता है, तो वो उसे बताता है कि ये किसी जमाने में रॉयल फैमिली का मेंबर हुआ करता था, और ये बहुत सारे लोगों के साथ रियलिटी में हुआ कि लोग बताते थे हमने फलां मुल्क को फतह किया, मैं वो वाला किंग हूँ जिसने फलां मुल्क फतह किया था, और फिर वो फकीर बन जाते हैं यानी भिखारी बन जाते हैं, यानी इस कदर उनके साथ जुल्म होता है या उनका सब कुछ निकल जाता है। सो मीर निहाल को उस बेचारे भिखारी पे रहम आता है, वो उसको कुछ पैसे देता है और घर आके अपनी लाइफ की मेजर चेंजेस पे करता है। असगर और बल्कीस
जहाँ से इनका बेड़ा गर्क होना शुरू होता है। तो सेलिब्रेशन होती है और बड़ा अरसा जारी रहती है, और उस प्रोसेस में यह होता है कि बिल्किस की फैमिली को असगर की फैमिली के कुछ बंदे इंसल्ट करते हैं, लेकिन ये मामला बाद में हो जाता है। कुछ रिचुअल्स होते हैं, बिल्किस और उसकी फैमिली सैड होती है इस चीज पे कि बिल्किस उसको छोड़ के जा रही है फैमिली को। बहरहाल ये जो शादी शुरू ही बड़ी अनस्टेडिली होती है, क्योंकि बिल्किस बड़ी ही इंतहाई मशरकी खातून होती है, और असगर जो है वो मुश्तरी भाई और ये भाई और वो भाई, तो वो लेग भाई, इन तमाम ऐसे बड़ा एक्सपर्ट होता है। सो वो मुश्तरी भाई के हवाले से, यानी वो चाहता है कि ये भी उसकी तरह ही आउटस्पोकन हो, शेर पढ़ती हो, गुफ्तगू करती हो। अब वो शर्माती है, तो वो उसे लगता है कि ये बड़ी साइलेंट है। सो मुश्तरी भाई जो है वो फिर फिट इन होने की कोशिश करती है, और मुश्तरी भाई कह रहा हूँ ये बिल्किस, और फिर ऐसा ऐसा वो उनके मजे की उनकी फेवरेट चीजें भी बनाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर रच बस जाती है। सो असगर को फील होता है कि शायद इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फील होता है कि वो जो गरमाइश थी रिलेशन की वो खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक स्टार्ट में था जो इसको लगता था कि वो प्यार, लेकिन वो प्यार शादी के हो जाता है। बहरहाल उसके बाद एक दूसरे के वो करीब आते हैं, अपना घर सेटअप करने की कोशिश करते हैं दोबारा, और उसमें इंग्लिश आइटम लेके आते हैं। जब वो इंग्लिश आइटम लेके आते हैं तो ये भी दिखाया गया कल्चर में डिफरेंस, लोकल यानी बच्चों के और बड़ों के जो उनका बाप है वो कुछ और चाहता है, वो नहीं चाहता घर में आए, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश चीजें हों, तो ये भी एक सोसाइटी के अंदर दिखाई गई हमें। सो उसके बाद उनकी एक डॉटर होती है जहाँ आ, लेकिन उसके बाद बिल्किस के फादर फोत हो जाते हैं, और बिल्किस डिप्रेशन में चली जाती है। अब इस डिप्रेशन के बाद अगर जो है वो अपनी वाइफ से दूर होता, उसको मिसट्रीट भी करता है, और वो अब वो वाले लव नहीं रहे। सो बिल्किस की कंडीशन वर्स होती जाती है। देन वी कम नो कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है, टीवी है, तो वो काली खांसी की वजह से कुछ बेहतर होती है, बीच में मर जाती है। सो बिल्किस के पास उसकी बेटी रह जाती है। सो बिल्किस की जो यंगर सिस्टर है जोरा, वो असगर की हेल्प करने आती है उस बच्ची के लिए। अब बिल्किस की बहन पर असगर का दिल आ जाता है, यानी वो भूल जाता है इसके बारे में, और उसकी बहन के ऊपर लटू हो जाता है। सो चूंकि ये फीलिंग म्यूचुअल नहीं होती शुरू में, लेकिन उसके बाद जोरा को भी असगर पसंद आ जाता है। वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर असगर जाता है बात करने के लिए, और फैमिली मानती है, लेकिन वो जोरा की जो मदर है वो नहीं मानती। वो कहती है कि पहले इसने हमारी बेटी को ये सताया, उसके साथ ये सलूक किया, तो दूसरी के साथ भी ये करेगा। तो उसका प्रपोजल निकल जाता है, टर्न डाउन हो जाता है। असगर का भाई हबीबुद्दीन आता है, और वो बड़ा बीमार पड़ जाता है घर में। मीर निहाल जो है इस वक्त तक माजूर हो चुका होता है, जिस तरह दिल्ली खत्म हो गया इस तरह इनकी फैमिली भी अब खत्म हो रही होती है, और वो सारा वॉयल सब नजर आ रहा है कि वो यानी कैओस जो है बेसिकली वॉयलेंट कैओस इनकी फैमिली में हमें फील होता है। हबीबुद्दीन भी मर जाता है, और उस असगर आता है और जोरा का सेंट उसका वेट कर रहा था, उसे लेटर देता, कहता कि उसे ये पहुंचाने को कहा गया कि उसकी जो बिलव जोरा उसकी है, और असगर अपने दिल को थामे रह जाता है। मीर निहाल जाता है, और वही अब उन चीजों के बारे में सोचते सोचते कोमा में चला जाता है और मर जाता है। सो दीज वर ऑल द लाइक इंसिडेंट that happened in the novel. So twilight or diminishing of Muslim culture that is very prominent. जो कि अहमद अली मुस्लिम है, उसने दिल्ली के मुस्लिम्स के ऊपर लिखा और उनका कल्चर दिखाया जो जमाने में कैसा था, और वो किस्सा डिफरेंट था उससे पहले वाले कल्चर में। सो उससे पहले और बाद वाले कल्चर का दिखाया गया। फिर दिखाया गया कि जो मैरिज है वो लाइक समटाइम्स कितनी डिसिल्यूजेंट साबित होती है। एक सेक्सुअली सप्रेस सोसाइटी दिखाई गई जो कि अपने लिए ये प्रोस्टिट्यूट्स मिस्ट्रेसेस रखते थे। कॉलोनियलिज्म दिखाया गया कि कॉलोनियलिज्म है वो आबादियाती निजाम के जरिए गोरे हम पे काबू करी बैठे हैं, और जो मुस्लिम कल्चर का हाल हो रहा है वही मजबूत इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट का हाल हो रहा है। रिलीजन का दिखाया गया कि रिलीजन इज देयर, लेकिन रिलीजियस वो जो वैल्यूज हैं उनका वो कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। दो कहने को वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो जो वैल्यूज हैं वो उसको उसी तरह उनकी वैल्यूज डिटेरियोरेट हुई
चुकी हैं, उस जमाने का कल्चर हो चुका है। सो दीज फोर नॉवल्स टुडे।